दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की बेईमानी से हारा भारत। गीले मैदान पर खेलना पड़ा टीम इंडिया को भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में हार का कारण भारतीय टीम की बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम की बेईमानी रही। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट और साथ ही बेईमानी भी बताएंगे कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस बेहदी शानदार मुकाबले में भारतीय टीम के संघर्षपूर्ण मुकाबले को देखकर खुश है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, क्या बेईमानी से साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराया? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा उन्हीं के पक्ष में और उन्होंने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की तरफ से आज के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और उनके साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों, आज के मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहाँ पर दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही मार्को येंसन ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और डेविड मिलर के एक कमाल के कैच के चलते यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की पारी की समाप्ति हुई। यशस्वी जायसवाल तीन गेंदों का सामना करने के बाद अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को दूसरा झटका दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लगा, जब यहाँ पर शुभमन गिल को LBW आउट करके पवेलियन भेजा विलियम्स ने और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। शुभमन गिल दो गेंदों पर शून्य पर ही पवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए 6 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। वहीं पर इस ओवर में तिलक वर्मा ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और एक छक्का व तीन बेहतरीन चौके इस ओवर में जड़े। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। वहीं पर अब सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए क्रेलेट कोर्जी की गेंद पर एक और शानदार चौका भी कवर ड्राइव के जरिए जड़ दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्य ने भी दो चौके और एक बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, पांचवें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही और तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्रीलाइन के पार भेजा स्कूप शॉट के जरिए। तो इसी बीच पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ओवर मिडविकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए मिडविकेट बाउंड्रीलाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, छठवें ओवर की पाँचवीं गेंद पर ग्रेलेट कोर्जे ने एक और सफलता साउथ अफ्रीका की जोली में डाल दी और यहाँ पर बेहतरीन कैच मार्को येंसन ने पकड़ा और तिलक वर्मा की शानदार पारी यहाँ पर समाप्त हुई। अच्छी बल्लेबाजी करे थे तिलक इस मुकाबले में, लेकिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एडन फेल्कोयो की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद मिसफील्ड के जरिए चौका जरूर हुआ, लेकिन अब काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, तो वहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस उनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला और उन्होंने नौवें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और कमाल का चौका जड़ दिया और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्रीलाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दसवें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने शानदार चौका तबरेज शम्सी की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद ग्यारहवें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को एक बार फिर से कमाल का शॉट खेलते हुए फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्रीलाइन के पार भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार छक्का था। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों, ग्यारहवें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही सूर्य की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ग्यारहवें ओवर की पांचवीं गेंद पर एक और शानदार चौका मिडऑफ की तरफ जड़ दिया। यह भी कमाल का चौका था
के बल्ले से निकला हुआ। तो इसके बाद इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए मार्को येंसन की गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब काफ़ी शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच दोस्तों 13वें ओवर में भी रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और एडन फेल्कोए को इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिले। अब दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को एक और झटका तबरेज शम्सी ने दिया 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उनकी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा वो अपना कैच मार्को येंसन को थमा बैठे और 36 गेंदों पर शानदार 56 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे सूर्य कुमार यादव। तो वहीं पर इसके बाद कमान संभाली रिंकू सिंह ने। तो 15वें ओवर में भी रिंकू ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले विलियम्स की गेंद पर, जबकि दोस्तों यहां पर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने पेवलियन भेजा जितेश शर्मा को। जितेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो एडन मार्करम का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की 4थी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी की और टीम इंडिया के लिए यह उनका पहला अर्धशतक था। लेकिन अर्धशतक के बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस तो जारी रहा, लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिरलेट कोएजी की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा ने। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से रिंकू सिंह। यह तो उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और सामने की तरफ शानदार छक्का देखने को मिला, जो कि सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर लगा और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में एक और सफलता यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिली। यहाँ पर रविंद्र जडेजा LBW आउट होकर पेवलियन लौटे, उनको कोएटजे ने आउट किया, उन्होंने 14 गेंदों पर 19 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और सफलता यहाँ पर अर्शदीप सिंह के रूप में मिली साउथ अफ्रीका की टीम को, और वो भी आउट होकर पेवलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में बारिश शुरू हो गई और एक बार फिर मुकाबले को रोकने पड़ा, लेकिन भारतीय टीम ने 19.3 ओवर में 180 रन बना लिए थे। यहाँ पर रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर शानदार 68 रनों की पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से 180 रनों तक पहुँच गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 152 रन बनाने थे 15 ओवर में, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रेडजकी ने काफ़ी शानदार शुरुआत की और पहले ओवर में ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिजा हेंड्रिक्स के बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां पर उन्होंने कमाल के शॉट भी खेले, लेकिन यहां पर भाग्यशाली भी वो रहे। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में ब्रेडजकी के बल्ले से भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने इस मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ दिया। तो इस ओवर में उनके बल्ले से भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, तो रिजा हेंड्रिक्स और दोनों ने मिलकर 2 ओवर में ही टीम का स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया और कमाल की शुरुआत यहां पर दे दी साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता तीसरे ओवर की 5वीं गेंद में रनआउट के रूप में मिली, जहां पर ब्रेडजी को रनआउट करके पेवलियन भेजा तिलक वर्मा और रविंद्र जडेजा ने, और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली, उन्होंने 7 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज एडन मार्करम ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 4वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार के ओवर की 3री 4थी व 5वीं गेंद पर 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और टीम के स्कोर को 4थे ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोस्तों रिजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिल रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाज बिल्कुल भी
कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों मैदान पूरी तरीके से बारिश की वजह से गीला हो चुका था, जिसकी शिकायत यहां पर टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने भी की। जब 8वें ओवर के बाद टाइम आउट में वो मैदान पर उतरे तो उन्होंने देखा कि मैदान पूरी तरीके से गीला था और ये मुकाबला खेलने लायक भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर अंपायरों ने मुकाबला शुरू भी कर दिया, जिसके चलते बल्लेबाजी काफ़ी आसान हो गई। और इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही, एक के बाद एक बेहतरीन शॉट वो खेल रहे थे। तभी 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद को वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन कैच पकड़ा और एडन मार्करम 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की 3री गेंद पर कुलदीप के कमाल का चक्का हेनरी क्लासेन ने भी जड़ दिया, लेकिन इसके बाद यहां पर रेजा हेंड्रिक्स की पारी को समाप्त किया कुलदीप यादव ने। सूर्य कुमार यादव के एक बेहतरीन कैच ने शानदार बल्लेबाजी करे रेजा हेंड्रिक्स को पेवलियन भेजा। हेंड्रिक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों पर 49 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद 10वें ओवर की 2री गेंद पर क्लासेन के रूप में एक और सफलता भारतीय टीम को मिली। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और मोहम्मद सिराज ने क्लासेन को भी पेवलियन भेज दिया। क्लासेन ने 5 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज ट्रस्टन स्टेप्स ने भी कुछ बेहतरीन शॉट यहां पर खेलने शुरू कर दिए। डेविड मिलर के साथ मिलकर उन्होंने भी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो इस दौरान मिलर के बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर को 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच करवा कर पेवलियन भेजा और एक और सफलता भारतीय टीम की जोली में डाल दी। यहां पर 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर डेविड मिलर पेवलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एडन फेल्कायो ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का लगाकर इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में 7 गेंदें शेष रहते हुए 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों भारत की हार का सबसे बड़ा कारण गीला मैदान रहा, जहां पर काफ़ी ज़्यादा गीला होने के चलते गेंदबाजी सही नहीं हो पाई। आपके हिसाब से क्या कारण है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।